Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the chapter of labor costing, and we are going to discuss about the incentives plans related to Halsey and Rowan. So basically there are different plans under this chapter, but we will be focusing more on the Halsey and the Rowan plan, because Halsey and Rowan plan you will get practical questions in the examination. So Halsey plan or Rowan plan ke upar aaj hum is video mein discuss karenge, as well as jo second type aapke paper mein aata hai, that is regarding the gross wages, dearness allowance, baki sare amenities, wo sab calculations hote hai. To wo aapke paper mein last year bhi 15 marks ke liye pucha gaya tha. इस साल भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, बट फिलहाल हम पहले कुछ बेसिक चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एंड द बेसिक पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द इंसेंटिव्स अंडर द Halsey एंड Rowan प्लान. अगर हम Halsey और Rowan प्लान की बात करें तो Halsey और Rowan प्लान स्पेसिफिक फॉर्मूला से रिलेटेड आपको कैलकुलेशंस ध्यान रखना है. तो ये पूरे वीडियो के बाद आपको ये Halsey और Rowan के जो भी कैलकुलेटिव चीजें हैं वो सारी आप अपने बेस पे कर पाएंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि बेसिकली Halsey और Rowan प्लान के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. सो मैंने एक चैनल बनाया है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम, तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. वहां पे काफी सारे लेवल पे मैंने मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड. यहाँ की जितनी भी पीडीएफ्स होती है सारे की सारी पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी. तो आप वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें लास्ट मिनट रिविजन विद आरएसएम. तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द फॉर्मूला फर्स्ट. तो इफ यू चेक द फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. आप भी इस तरीके से करें तो आपको फॉर्मूला समझने के लिए थोड़ा इजी जाएगा. तो दैट इज Halsey प्लान का फॉर्मूला है. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेसिक वेजेस ढूंढने हैं. बेसिक वेजेस ढूंढने के लिए काफी इजी है, आवर्स वर्क लेने हैं, मल्टीप्लाइड बाय करना है आपको रेट पर आवर. तो जितना भी आपका वर्कर है उसने जितने घंटे काम किया है, दैट इज आवर्स वर्क, एंड मल्टीप्लाई करना है आपको रेट पर आवर से. तो रेट पर आवर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. फिलहाल पहले सिर्फ हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं, लास्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा. नेक्स्ट इज द बोनस. तो Halsey प्लान में आपको ये याद रखना है कि जो भी बोनस दिया जाएगा वो हमें 50% कंसिडर करना है. तो Halsey और Rowan प्लान में एक ही डिफरेंस है, Halsey सेज दैट 50% ऑफ द टाइम सेव्ड हमें लेना है एज पर द बोनस, और Rowan में हम 50% नहीं कंसिडर करेंगे. तो फॉर्मूला बनता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर. तो टाइम सेव्ड कैसे ढूंढना है वो मैं आपको आगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा. तो टाइम सेव्ड आपको लेना है, उसका 50% ढूंढना है, और उसको मल्टीप्लाइड करना है रेट पर आर से. तो ऊपर जो भी आपका रेट पर आर रहेगा, जैसे बेसिक वेजेस में भी मैंने बताया आपको आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, तो ऊपर जो भी आपका रेट पर आर है वही आपको नीचे रेट पर आर करके लेना है. नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेगा डियरनेस अलाउंस, दैट इज कॉल्ड एज डीए. तो डियरनेस अलाउंस अगर रहा तो डियरनेस अलाउंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. बट यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना होना, यहां पे रेट पर आर में हमें क्या कंसीडर करना है, डियरनेस अलाउंस का रेट पर आर लेना है. जो ऊपर जो रेट है वो हमें नहीं लेना है, डियरनेस अलाउंस का जो रेट रहेगा वो हम कंसिडर कर लेंगे. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड डिटेल्स. तो अभी ये रिक्वायर्ड डिटेल्स में हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेशन में जरूरी पड़ेगी, नंबर वन इज टाइम अलाउड, नंबर सेकंड इज टाइम टेकन, एंड नंबर थर्ड इज टाइम सेव्ड. तो अगर आप ये तीनों के तीनों चीजें क्वेश्चन में से ध्यान से कैलकुलेट करो तो आपको Halsey प्लान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में डिफिकल्टीज नहीं होंगी. तो हमें टाइम अलाउड लेना है, टाइम टेकन लेना है, और टाइम सेव्ड लेना है. ऐसा ही फॉर्मूला है Rowan का. तो Rowan के फॉर्मूला में इफ यू चेक, बेसिक वेजेस इज सिमिलर, आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, रेट डियरनेस अलाउंस आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, बोनस इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. ये थोड़ा सा बोनस में आपको ध्यान रखना है. तो अगर हम Halsey और Rowan को कंपेयर करें तो आपको Halsey और Rowan में सिर्फ बोनस को मेन याद रखना है, बिकॉज बेसिक वेजेस Halsey और Rowan का सेम रहेगा, डियरनेस अलाउंस Halsey और Rowan का सेम रहेगा. सिर्फ बोनस कैलकुलेट करते वक्त वी यूज टू कैलकुलेट 50% ओवर देयर,
देख लेते एक बार. वी यूज टू कैलकुलेट 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. यहाँ पे 50% नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, टाइम सेव्ड लेना है, मल्टीप्लाई करना है टाइम टेकन से, लेकिन टाइम टेकन को हम फिर डिवाइड कर लेंगे टाइम अलाउड से. तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिकी है, इसको आपको इस बेस पे याद रखना है. मल्टीप्लाई करना है रेट पर आर से, तो रेट पर आर जो आपने ऊपर बेसिक वेजेस में लिया होगा वही रेट पर आर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. दिस टू आर द बेसिक फॉर्मूलाज इन द लेबर कॉस्टिंग. तो वेन एवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आर आस्क देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, बट बेसिकली हेल्से एंड रोमेन प्लान के ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ सो दैट आपको ये जो फॉर्मूलाज है और थोड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट अर्निंग्स एज पर हेल्से प्लान एंड रोवेन प्लान. देखो मैंने डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी है. टाइम टेकन है 72 आवर्स का, तो आपको टाइम टेकन कितना है 72 आवर्स. इसका मतलब है एक लेबर 72 आवर्स में एक प्रोडक्ट या एक एक्टिविटी जो है या एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है. जितना उसको टारगेट दिया है वो कितने टाइम में कर रहा है, 72 आवर्स में. तो टाइम अलाउड उसको हमने टाइम कितना अलाउड करके दिया था, 90 आवर्स. तो देखो अभी हमने वहां पे तीन चीजें सीखी थी, एक तो आपको लगेगा टाइम अलाउड, एक तो आपको लगेगा टाइम टेकन, और एक तो आपको लगेगा टाइम सेव्ड. तो टाइम अलाउड 90 आवर्स है, तो आपको क्या करना है, 90 आवर्स में से 72 आवर्स को अगर आप माइनस कर दोगे तो जो भी डिफरेंस बचेगा दैट विल बी योर टाइम सेव्ड. अगेन आई रिपीट, टाइम अलाउड में से टाइम टेकन को जब आप डिडक्ट कर लोगे तो जितना भी डिफरेंस बचेगा वो आपका टाइम सेव्ड है. फिर पर रेट आर करके दिया है 25. फिर डियरनेस अलाउंस, तो जब भी आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा तब आपको क्या करना है, डियरनेस अलाउंस के जो डेटास दिए उसको आपस में डिवाइड करना है, तो आपको रेट पर आर मिल जाएगा. जैसे 10 पर डे ऑफ 8 आवर्स वर्क, तो 10 को पर डे मिल रहा है उसको 8 आवर्स को, तो 10 को हमें 8 से डिवाइड करना है. जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका रहेगा रेट पर आर. अभी इसको मैं फॉर्मूला में प्रेजेंट करके बताता हूं. देखो हेल्से प्लान बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस में क्या करना है, फॉर्मूला है आर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. अब भी हमने यहां पे देखा था आर्स वर्क, आर्स वर्क मतलब टाइम टेकन कितना है 72, और रेट कितना है पर आर 25. तो देखो 72 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो आपका आंसर आ जाएगा 1800. फिर डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस भी 72 ही लेना है, 72 into 1.25. अब ये 1.25 कैसे लाया, 1.25 क्या करना है आपको, देखो 10 को हमें 8 से डिवाइड करना है तो आपको रेट पर आर डीए का मिलेगा. 10 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो हमें रेट मिल रहा है 1.25, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 90. फिर बोनस कैलकुलेट कर रहा है, बोनस कैसे होगा, फॉर्मूला रिमेंस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, देखो टाइम सेव्ड कैसे मिलेगा, फिर से बताता हूं, टाइम अलाउड था हमारा 90, टाइम टेकन था हमारा 72, तो 90 में से 72 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम सेव्ड. तो 90 माइनस 72 करना है, उसका 50% लेना है, और फॉर्मूला बोलता है टाइम सेव्ड का 50% मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, तो आपको रेट पर आर 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 225. अगर आप ये तीनों आंसर्स को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा हेल्से प्लान के बेसिस पे अर्निंग्स. तो 1800 वाज द फर्स्ट आंसर, डियरनेस अलाउंस वाज 90 एंड बोनस वाज 225, द टोटल वाज 2115. दिस इज दी कैलकुलेशंस एज पर हेल्से प्लान. अगर हम रोवेन प्लान की बात करें तो रोवेन प्लान में मैंने आपको बताया था, रोवेन प्लान में बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस बिल्कुल सेम रहते हैं. तो रोवेन प्लान में क्या करना है आपको, सिर्फ बोनस का फॉर्मूला आपको याद रखना है. बिकॉज इफ यू कंपेयर बोथ द फॉर्मूलाज, बेसिक वेजेस विल बी सेम, दैट विल बी आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. डियरनेस अलाउंस विल ऑल्सो बी सेम, आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, बट ओनली द कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज गोइंग टू चेंज. चलो वो भी देख लेते हैं. देखो बेसिक वेजेस मैंने सेम रखा है 72 मल्टीप्लाइड बाय 25 1800, डियरनेस अलाउंस भी मैंने सेम रखा है 72 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 दैट इज 90. सिर्फ देखो अभी बोनस का कैलकुलेशन सीखते हैं. बोनस का फॉर्मूला लिखा है टाइम सेव्ड, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर. थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले सो दैट ये फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन इजी तरीके से समझ में आए. तो 18 को मल्टीप्लाई करना है, 18 कैसे लाया, 18
अभी हमने किया था वहां पे 90 माइनस 72, दैट इज टाइम सेव्ड, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन था 72, टाइम अलाउड था 90, और मल्टीप्लाई किया हमने रेट पर आवर से, रेट पर आवर कितना था 25, तो दैट इज 360। तो आपको बोनस का कैलकुलेशन यहाँ पे 360 मिला है, वहां पे आपको बोनस का कैलकुलेशन अलग मिला था। बेसिक वेजेस हमारे दोनों केस में सेम है, 1800 प्लस 90 प्लस 360, तो टोटल आपका आंसर बन रहा है 2250। तो दिस इज दी ओवरऑल बेसिक कैलकुलेशन रिलेटेड टू योर हेल्से एंड रोवेन। आप इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, इस बेस पे अगर सॉल्व करेंगे तो काफी आपको इजी लगेगा ये चैप्टर, और ये जो बेसिक है हेल्से एंड रोवेन से रिलेटेड, इसके और भी आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस इसी मेथड से प्रैक्टिस करें, सो दैट जो बेसिक पॉइंट है 10 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है हेल्से एंड रोवेन रिलेटेड, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिले। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। रिकंसिलेशन के ऊपर आपको अगला वीडियो मिलेगा, तो उसके भी बेसिक्स कुछ बताऊंगा, और कैसे आपको एड लेस करना है उसका भी एक नया रूल बताऊंगा, सो दैट आपको ये रिकंसिलेशन से रिलेटेड सारे मार्क्स मिल पाए। तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं, तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सो दैट आपको पिछले जितने भी पीडीएफ थे सारे के सारे मिलेंगे अगर आप अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।